What's up young birds, स्वागत है आप सबका एक और नई Pokemon Unite वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग खेलने वाले हैं Pokemon Unite on Nintendo Switch। जी हाँ, आपने सही सुना, फाइनली तुम्हारे भाई के पास एक Nintendo Switch आ चुका है। तो मैंने बोला भाई देखो, अब अगर Nintendo Switch आया है, ठीक है, जिस गेम की वजह से आया है उसी गेम को खेलेंगे। सबसे पहले तो हम खेलने वाले हैं Pokemon Unite, ठीक है। तो मैंने फटफट से डाउनलोड कर ली और हमें डायरेक्ट एक अपडेट आ गया था। मैंने बोला चलो उसको स्किप कर लेते हैं, सीधा गेम की तरफ चलते हैं। तो एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, Nintendo Switch में ना भाई हर एक चीज तुम्हारी बटन से ही होने वाली है। सिर्फ एक चीज तुम्हारी बटन से नहीं होगी, वो होगा तुम्हारा अटैक सिलेक्शन, ठीक है, नेक्स्ट अटैक सिलेक्शन। बाकी हर एक चीज डिट्टो, मतलब मैप से लेकर तुम्हारे मूव मारने तक, बेसिक अटैक से लेकर तुम्हारा यहाँ पर वो जो ऐसा जोरोआर का शक्ति है ना ऐसा बदलने की, वो तक तुम्हारा बटन से होने वाला है, ठीक है। तो हर एक चीज तुम्हारी बटन से होने वाली है इन Nintendo Switch, विच इज अ गुड थिंग, मेरे ख्याल से भाई एक अच्छी चीज है। लेकिन बट फिर भी सबका अपना अपना मन होता है। हम इसके अंदर एक गेम भी खेलने जरूर वाले हैं। और बेसिकली यहाँ पर मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया यार, हर एक चीज यहाँ पर बटन से ही होती है। तो अगर तुम्हें सब कुछ यहाँ पर सीखना है तो तुम्हें सबसे पहले बटन सीखने पड़ेंगे कि बटन कौन सा क्या करता है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर वही अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हम सीधा गेम की तरफ पढ़ेंगे, बिकॉज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी बैटल पास वगैरह चीजें, एनालॉग बटन जो है, यही तुम्हारा जॉयस्टिक बेसिकली, यही तुम्हारा मूवमेंट वगैरह प्रोवाइड करता है और फिर यही तुम्हारी बाकी चीजें करता है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, मेरे ख्याल से भाई ये काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। बिकॉज अगेन, मैं इतना ज्यादा बटन से मतलब कंफर्टेबल नहीं था, बट ठीक है क्योंकि मैं फोन पे ज्यादा चला रहा था। चलो सीधा गेम प्ले की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा नॉर्मल रेडी वाला मैचअप आ गया और सुबह सुबह था तो भाई हमने ना नॉर्मल मर्ज स्टेडियम यहाँ पर लगाया था क्योंकि हैलोवीन इवेंट है। तो मैंने सोचा कि मतलब दोनों चीजें साथ में हो जाएंगी, ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट चीज ये कि अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मेरे को हर एक चीज बटन से ही करनी पड़ती है, समझ रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को बटन, मतलब मैं टच स्क्रीन से कर रहा हूँ हर एक चीज, हेल्ड आइटम वगैरह सिलेक्ट करने से लेकर हर एक चीज़ मेरे को बटन से ही करनी पड़ रही है। तो मैंने बोला चलो वो भी ठीक है, प्लस बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है भाई ऐसे। और मैंने इसको रख दिया पीछे ऐसा स्टैंड लगा के, माइक्रो SD जहाँ से घुसाते हैं ना उसी को ऐसा स्टैंड इस्तेमाल कर रहा था। टू बी ऑनेस्ट, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। तुम्हें यहाँ पर अभी कैमरा में इतनी अच्छी नहीं दिख रही होगी, लेकिन ट्रस्ट मी इन गेम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर देख सकते हो ये जो ऊपर वाले दो राइट में बटन है ना, यही तुम्हारे मूव्स है बेसिकली। एक बटन है ZR और एक बटन है R, तो यहीं से तुम अपने नॉर्मल अटैक मारते हो और A से तुम अपने बेसिक अटैक मारते हो, ठीक है। ऊपर फिर ZL है लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, ठीक है, जहाँ पर ZR है ना, वहीं से तुम अपना यूनाइट मूव मार सकते हो, ठीक है। और ये जो एनालॉग बटन दिख रहे हैं ना, अगर तुम इन एनालॉग बटन को दबाओगे तो तुम्हारा इल्यूजन चलता है और बाकी चीजें होती हैं, ठीक है। अब तुम लोग देख सकते हो ये वाला जो अटैक है ना, इसको तुम्हें टच करके यहाँ पर चलाना पड़ेगा, तुम ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। सो यू हैव टू टच इट एंड देन यू कैन सिलेक्ट इट। क्योंकि अगेन भाई, अगर मान लो किसी ने जल्दी जल्दी में कुछ भी सिलेक्ट हो गया भाई, उसकी तो बीटी हो जाएगी समझ रहे, उसका बिल्ड ही परफेक्ट नहीं बनेगा। तो इसीलिए इट्स अ गुड थिंग मेरे ख्याल से भाई, मेरे को तो काफी ज्यादा अच्छा लगा भाई। बट हाँ, मैं स्टार्टिंग में पहली बार खेल रहा था तो मेरे से इतना ज्यादा आराम से संभला नहीं गया। मतलब मेरे ख्याल से भाई ग्राफिक क्वालिटी वगैरह बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और फिर से मैं तुम्हें यही बोल रहा हूँ कि मतलब यहाँ पर तुम्हें इसलिए इतना परफेक्ट नहीं दिख रहा, बिकॉज अगेन ये मैं एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, समझ रहे, मैं दूसरे फोन से इसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। Nintendo में यही चीज है, तुम नॉर्मल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्दो, लेकिन तुम वैसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। सो यार, मेरा एक्सपीरियंस Nintendo Switch के ऊपर वॉज वेरी गुड, मेरे को तो काफी ज्यादा मजा आया भाई। क्योंकि देखो यार, मतलब थोड़ा अलग से एक्सपीरियंस था। हाँ, अगर मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा तो शायद अच्छा हो सकता हूँ, बिकॉज अगेन फोन पे भी तुम एकदम से परफेक्ट नहीं हो जाते, ठीक है। और ये जो तुम्हें हल्का सा राइट साइड में टॉप पे गोला से दिख रहा है ना, ये जो ऐसा पिज्जा पाई जैसा है, तो बेसिकली यहाँ से ना तुम अपने ओपोनेंट पोकेमॉन को सिलेक्ट कर सकते हो किसको टारगेट करना है, और जिसके ऊपर तुम अपना एनालॉग बटन लेके जाओगे वो चमकने लगेगा। सो यार वेरी गुड, मतलब मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन है। बट वो ना स्क्रीन थोड़ी सी कवर कर रहा है, मतलब मेरे हिसाब से थोड़ी सी इतनी थी, मतलब ठीक है। बट अगर तुम इसको ऑलरेडी PC पे कनेक्ट कर लेते हो तो तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं आने वाली। ऑल्दो हम यहाँ पर मैच जीत गए, काफी ज्यादा अच्छा रहा भाई, मतलब इट वॉज अ फन मैच, ऐसी बात नहीं है, बॉट्स ही थे, मैं सच्ची बोलूंगा। बट यार हर एक चीज यहाँ पर उससे चलाना, मतलब बटन से चलाना, फिर से एक थोड़ा सा अलग फील था। और मैं अगर सच बोलूं, स्क्रीन के हिसाब से फोन से ज्यादा अच्छा है,
कंट्रोल के हिसाब से मैं अभी भी फोन पे ही स्टिक करना पसंद करूंगा, लेकिन अगर तुम्हें यू नो इसमें अगर तुम्हें मैप देखना है वो सब चीजें थोड़ी सी ज्यादा इजी है, बट तुम्हारा ना हाथ गिरा रहता है, मतलब तुम्हारी उंगलियां बिजी रहती हैं, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा ज्यादा अभी भी फोन की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड हूँ। बट अगेन देखता हूँ यार, अभी तो बस स्टार्ट है निंटेंडो स्विच के ऊपर और मैं सोच रहा हूँ कि रैंक पुश मैं इसी के ऊपर जरूर करने वाला हूँ, तो मतलब भाई ठीक है, मतलब पहले मैं थोड़ा सा ना ट्राई करूंगा कि क्या सीन है क्या नहीं। बाय द वे अगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊँ तो निंटेंडो स्विच के ऊपर एक फायदा ये है कि मतलब तुम काफी ज्यादा परफेक्टली इसको एंजॉय कर सकते हो। बाय द वे अगर तुम्हें कभी भी रैंक पुश में नो ये Q5N NNC12 या फिर फीनिक्स कास्ट का अगर कोई बंदा मिलता है, जोरुआक वगैरह खेल रहे, डॉडरियो खेल रहे, जंगलदार है, तो वो मैं ही हूँ भाई, क्योंकि मैं ही मतलब रैंक पुश करता हूँ। और अगर मिलता हो तो यार माइक वाइक ऑन करके हाय हाय बोल दे, अगर व्हाट्सअप शिवांश भाई, मतलब मैं मेरी आवाज कभी और भारी उदाती है, कभी नॉर्मल भी उदाती है, ठीक है। तुम लोग देख सकते हो तुम्हारा भाई आजकल जोरुआक से कूट रहा है भाई, 11 किल, 19 किल, 20 किल, 17 किल, 18 किल, तो मतलब ठीक है, बहुत मार रहा हूँ मैं। तो वही चीज है, बाय द वे निंटेंडो स्विच पे खेलने वालों तो शायद हमारी मैच मेकिंग, मैं उसमें कंफ्यूज हूँ भाई, क्योंकि मिलनी चाहिए, मतलब ऐसे तो क्रॉस प्लेटफॉर्म ही है, बट यार ऑल ओवर अगर मैं एक्सपीरियंस बोलूँ तो 10 out of 8 फॉर पोकेमोन यूनाइट, बिकॉज थोड़ा सा बल्की है भाई मेरे ख्याल से, और मैं अभी भी फोन ज्यादा प्रेफर करना पसंद करता हूँ, तो यार दैट इज द थिंग। अदरवाइज यार पर्सनली लाइक इट वेरी वेल, 7 इसलिए बिकॉज मेरे को आदत नहीं है, आई थिंक सो 10 out of 8 देना ज़्यादा वैल्यूबल रहेगा, 10 out of 8 वुड बी बेटर, अगर आदत पड़ गई तो माइट इंक्रीज, बट हाँ बाकी के लिए यही चीज है। और अगर तुम्हें कैसी लगी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।